नमस्कार दोस्तों, परिणाम अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बायो का क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कुछ, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायो डाइवर्सिटी, आप सब जानते हैं कि डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी। वैरायटी जैसे कि आप अपने भारत में ही देखेंगे कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग लोगों का रहन सहन है, खान पान है, तो यहाँ पे हमें बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलती है। लेकिन जैसे हम साइंस पढ़ रहे हैं, बायो पढ़ रहे हैं, तो हमें यहाँ देखना है कि बायो का मतलब क्या हुआ, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि वैरायटी वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसका मतलब ये हुआ कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये हुआ कि हमारे अर्थ में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें प्लांट है, एनिमल है, फंजाई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो बहुत ज़्यादा ही वैरायटी देखने को मिलती है अगर वो एक पर्टिकुलर रीजन में है। तो हमारे अर्थ पे 1.7 to 1.8 मिलियन लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। Found in Earth. और ये किसी न किसी तरह, जैसे कोई शेप में या फिर इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, उनका हैबिटेट हो गया, मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं, या फिर कलर हो गया, या पैटर्न हो गया, या फिर न्यूट्रिशन मोड पे, तो ये सारे एक दूसरे से इस तरह अलग होते हैं। तो इसी को देखते हुए कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो साइंटिस्ट ने इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, कैटेगराइज कर दिया है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ कैटेगरी, इन अ कैटेगरीज। और ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो इस बेस पे हुआ है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें क्या सिमिलरिटीज पाई जाती है और क्या एक दूसरे से वो डिफरेंट है, मतलब डिसिमिलरिटीज क्या है। तो क्लासिफिकेशन सिमिलरिटीज और सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड है। सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज पे बेस्ड है। इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको कैटेगराइज किया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन आया था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन आया था। टू किंगडम, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने। कैरोलस लीनियस, इन्होंने इस बेस पे डिवाइड किया ऑर्गेनिज्म को कि एक होगा एनिमेलिया और दूसरा होगा प्लांटी। एक है एनिमेलिया और एक है प्लांटी, मतलब जितने भी एनिमल्स आएंगे उन्होंने उसको एनिमेलिया में रखा और प्लांट्स को प्लांटी में रखा।
कैरोलस लीनियस ने ही बाइनोमियल क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर दिया। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विनाम पद्धति किसने दी है, तो वो है कैरोलस लीनियस। तो इन्होंने किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि आप अगर डॉग है तो यहाँ लोकल लैंग्वेज में आपके यहाँ कुछ और बोला जाता है, दूसरे जगह अगर हम जाएंगे तो वहाँ उसको किसी और नाम से जाना जाता है, अगर वर्ल्ड की बात करें तो वहाँ पे किसी और नाम से जाना जाता है। तो मतलब इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी थी नेम में, तो इसीलिए कैरोलस लीनियस ने किसी भी ऑर्गेनिज्म का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। किस बेस पे दिया है तो वो चीज हम देखेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो उनका उन्होंने स्टैंडर्ड नाम दिया या फिर साइंटिफिक नेम दिया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में उस ऑर्गेनिज्म को उसके उसी नाम से जाना जाए। तो यहाँ पे कुछ रूल उन्होंने बताया कि कैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे, मतलब नामकरण करेंगे। तो जैसे एग्जांपल अगर हम एक देखें तो मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ हम ये रूल होता है कि जैसे कि ये उन्होंने दो शब्द दिए थे, टू वर्ड्स में इनको, जैसे कि एक होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। तो यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट लेटर जो है मैंजीफेरा, फर्स्ट वर्ड जो है मैंजीफेरा और सेकंड है इंडिका। तो जो ये हुआ जीनस और ये हुआ स्पीसीज। जीनस का उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो ये इटैलिक में जाएगा, तो थोड़ा सा ये टिल्ट होता है, टिल्ट मतलब थोड़ा तिरछे में लिखा जाता है, जैसे ऐसे करके, ये ऐसे करके हम लिखेंगे। लेकिन यहीं पे अगर हमें हैंड रिटन या फिर हाथ से लिखना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, मतलब कि जीनस में अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज जो है उस पर अलग से अंडरलाइन करेंगे। ये नहीं कि हम इसको मैच कर दें, मिला दें, ये नहीं, ये करेंगे आप तो ये गलत हो जाएगा। तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि जीनस और स्पीसीज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि कैसे दो दो तरह से नाम रखे गए हैं, दो वर्ड्स यूज किए गए हैं, एक जीनस है और एक स्पीसीज। तो इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे जैसे पैंथेरा लियो, दूसरा है पैंथेरा टाइग्रिस, थर्ड है पैंथेरा पार्डस। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है और स्पीसीज का फर्स्ट लेटर स्मॉल लेटर में है। पैंथेरा लियो जैसे ये शेर है, ये चीता है और ये है तेंदुआ। यहां पे क्या होता है, अगर इनका सेम जीनस रखा गया है, जैसे इसका भी पैंथेरा, इसका भी पैंथेरा, इसका भी पैंथेरा, लेकिन इनकी स्पीसीज जो है वो डिफरेंस है, तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे से अपना कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो इनसे मैच करते हैं, तीनों में तीनों कैरेक्टर जो है वो मैच कर रहे होंगे, जबकि कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो इनको एक दूसरे से अलग कर रहे होंगे, तो ये इनकी स्पीसीज हो जाती है। तो इसको हम अंडरलाइन करेंगे ऐसे। तो ये था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऐसे ही और साइंटिस्ट आते गए और क्लासिफिकेशन देते गए, जैसे कि थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इनके पास साइंटिस्ट के नेम हम लोग याद रखते हैं, थर्ड किंगडम।
थर्ड किंगडम किसने दिया है? अंश हैकल ने। अंश हैकल, ठीक। इन्होंने, जैसे कि अभी आपने किंगडम देखे थे, प्लांटी था, एनिमेलिया था, तो इन्होंने ऐसा जो किंगडम ऐड किया था वो था प्रोटिस्टा। तो ये भी याद रखना है हमें कि अगर पूछता है कि अंश हैकल ने थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन में किस किंगडम को ऐड किया था, तो पहले तो एनिमेलिया और प्लांटी था, लेकिन थर्ड जो इन्होंने दिया तो वो प्रोटिस्टा था। फिर हम देखेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कोपलैंड ने, ठीक। इन्होंने जिस किंगडम को ऐड किया था वो था मोनेरा, ठीक। तो अभी तक कितने हो गए किंगडम? फोर। पहला प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। फिर हम आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये मोस्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन था, जो था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर एच व्हिटेकर ने, कब दिया? 1969। तो ये मोस्ट सक्सेसफुल जो क्लासिफिकेशन रहा है वो आर एच व्हिटेकर का ही रहा, जिन्होंने 1969 में दिया था। तो इन्होंने ऐसे कौन से किंगडम को ऐड किया, तो आपको पता है कि प्लांटी तो था ही पहले से, दूसरा था एनिमेलिया, थर्ड था प्रोटिस्टा, और फोर्थ था मोनेरा। इन्होंने जो किंगडम ऐड किया वो था फंजाई, ठीक। तो ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है। तो हम ये भी देखेंगे कि जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है वो किस बेस पे किया गया है, ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर थे जिसके बेस पे इनको डिवाइड किया गया या कैटेगराइज किया गया है। तो पहला तो हम देखेंगे सेल टाइप। जैसे कि आपने सेल में पढ़ा है कि सेल कैसी होती है, एक यूकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक होती है, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। तो इन दोनों में डिफरेंस है, इसलिए इसके बेस पे, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट में आएंगे उनको अलग रखा गया, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोट में आएंगे उनको अलग रखा गया। तो प्रोकैरियोट का मतलब होता है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है, और यूकैरियोट का मतलब होता है कि ट्रू न्यूक्लियस। इसमें कैसा न्यूक्लियस होता है? ट्रू न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसमें वेल डिफाइंड एब्सेंट होता है, ठीक। तो ये हो गया, इस बेस पे भी इनको डिवाइड किया गया है। दूसरा है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सेल स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे उन्हें डिवाइड किया गया है। तो पहला है यूनिसेलर, और दूसरा है मल्टीसेलर। ये सारी चीजें आपने सेल में पढ़ा होगा, मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बने होते हैं, सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। तो वही एक सेल न्यूट्रिशन में भी हेल्प करती है, लोकोमोशन में, एक्सक्रीशन में, सभी में सिर्फ सिंगल सेल ही हेल्प करती है। लेकिन मल्टीसेलर का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें बहुत सारे टाइप्स के सेल पाए जाते हैं, और उनमें लेवर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, मतलब जितनी भी सेल होंगी उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, थर्ड। इसको डिवाइड, इस बेस पे इस क्लासिफिकेशन दिया गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
मोड ऑफ न्यूट्रिशन दो होते हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक मतलब हुआ स्वपोषी, स्वपोषी मतलब ऐसे ऑर्गेनिक जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, वो आते हैं ऑटोट्रॉफिक। आपको पता है एग्जांपल क्या होगा इसका, प्लांट। और दूसरा है हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिक जो डिपेंड होते हैं अनदर ऑर्गेनिज्म में अपने फूड के लिए। तो ये सारी चीजें हो गई, अब हम इन्हें एक एक करके देखेंगे। एक हम फ्लो चार्ट देखते हैं ताकि उससे हमें इजीली लर्न हो जाएगा। जैसे ये हुए ऑर्गेनिज्म, तो अगर हम सेल टाइप के बेस पे देखें तो इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोट ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो यूनिसेलुलर होंगे, और इसका एग्जांपल है मोनेरा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट कौन सा ऑर्गेनिज्म किंगडम है, या जैसे कि मोनेरा हो गया, प्लांटी हो गया, फंजाई है, एनिमेलिया, तो आप उसमें बताएंगे कि इसमें क्या होगा आंसर, मोनेरा। और दूसरा है यूकैरियोटिक, जो कि दोनों तरह से होते हैं, एक यूनिसेलुलर भी होता है और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आपका आ जाएगा प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, और मल्टीसेलुलर भी दो तरह से होते हैं, एक विथ सेल वॉल होता है, मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी विथ सेल वॉल, और एक होगा विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल का जो एग्जांपल है वो है एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया, मतलब किंगडम एनिमेलिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे उनमें सेल एब्सेंट होती है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है विथ सेल वॉल, विथ सेल वॉल भी दो तरह से डिवाइड है, एक जो है डू नॉट एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, और इसका एग्जांपल है आपका फंजाई, क्योंकि फंजाई में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। और दूसरा है इसमें एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इसका एग्जांपल है आपका प्लांटी, क्योंकि जितने भी प्लांट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। ठीक, तो ये अगर आप फ्लो चार्ट याद रखेंगे तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे कि विदाउट सेल वॉल कौन से होते हैं, किंगडम एनिमेलिया में जितने ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे विदाउट सेल वॉल होंगे। यहाँ पे भी देखिए आप यूनिसेलुलर लेकिन यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा जो है वो यूनिसेलुलर है लेकिन यूकैरियोटिक है, और मोनेरा किंगडम जो है ये भी यूनिसेलुलर है लेकिन ये कैसा है, प्रोकैरियोट में है। ठीक, अब इसके आगे हम एक एक किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे मोनेरा, मोनेरा कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म किस में आएंगे, मोनेरा में। अभी फ्लो चार्ट में हमने देखा कि मोनेरा किस में आया था, प्रोकैरियोट में, तो मोनेरा कैसा होता है, प्रोकैरियोट होता है, प्रोकैरियोटिक होता है।
जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और उसके बाद हमारा आएगा कि इसमें सेल टाइप का सेल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका यूनिसेलर होता है। हमने क्लासिफिकेशन के बेस में देखा था कि किस किस बेस पे इन्हें क्लासिफाई किया गया, तो वहां पे हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखा था। तो मोनेरा में मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, इसमें ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है, मतलब ये खुद से भी अपना भोजन बना सकते हैं और डिपेंड भी होते हैं। ओके, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी जो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। पेप्टाइडोग्लाइकॉन सिर्फ एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है मोनेरा का जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, उसको हम अभी आगे देखते हैं। इसके एग्जांपल में हम देखते हैं कि कौन कौन से आएंगे, तो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम बीजीए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गा भी कहते हैं, और माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा ऐसा मोनेरा का ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। नेक्स्ट हम मोनेरा हो गया, इसके बाद हम आते हैं प्रोटिस्टा में। दूसरा हमारा है प्रोटिस्टा किंगडम। प्रोटिस्टा में आपने देखा था प्रोटिस्टा कैसा था, यूकैरियोटिक था। सेल स्ट्रक्चर कैसा था इसका, ये भी यूनिसेलर है, मतलब सिर्फ एक सेल से बना हुआ है, और ट्रू न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा जो होता है ये ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों होते हैं। यहां पे अगर हम सेल वॉल की बात करें तो यहां सारे ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एब्सेंट होगी एक्सेप्ट यूग्लेना। इसके एग्जांपल हैं जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में आपका आ जाएगा यूग्लेना, अमीबा, पैरामीशियम, एल्गा और डायटम्स। तो अगर एल्गा का पूछा जाता है कि ये किस किंगडम का है, तो ये है प्रोटिस्टा का, और प्रोटोजोआ ये भी प्रोटिस्टा का है, डायटम भी प्रोटिस्टा का है। अभी हमारे दो किंगडम हो गए हैं, थर्ड है हमारा फंजाई। फंजाई को आपने देखा था कि ये कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, मतलब इसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरा, ये मल्टी सेलर होते हैं। अभी जो हमने देखे थे टू किंगडम वो कैसे थे, यूनिसेलर थे, लेकिन फंजाई कैसा है, यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये हेटरोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है जो कि किसकी बनी होती है, काइटिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंजाई की सेल वॉल किससे बनी होती है, वो है काइटिन।
एग्जाम्पल अगर हम देखें जैसे ईस्ट हो गया, हमने देखा कि फंजाई मल्टीसेलुलर, लेकिन एक्सेप्ट ईस्ट, ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर है, तो ये याद रखना है। मोल्ड्स हो गए और मशरूम, जैसे मशरूम कैसा होता है, इडिबल होता है, इसको हम खाते भी हैं। और ईस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, फर्मेंटेशन में किया जाता है, फर्मेंटेशन में जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। फोर्थ किंगडम है हमारा प्लांटिंग। प्लांट कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है। दूसरा मल्टीसेलुलर होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होगी जो कि ग्लूकोज की बनी होती है। तो ये भी पूछा जाता है कि प्लांट की सेल वॉल किससे बनी होती है, वो ग्लूकोज से बनी होती है। तो ये हो गया प्लांटी। फिफ्थ है, तो इसमें आपको पता है सारे प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमेलिया। एनिमेलिया भी कैसा होता है, यूकैरियोटिक होता है, मल्टीसेलुलर होता है, हेटरोट्रॉफिक होता है और सेल वॉल इसमें एब्सेंट होती है। सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे हमने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन देखा। एक क्लासिफिकेशन और आया था जिसका हम बस साइंटिस्ट नेम ही याद रखेंगे कि सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था। तो सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था कार्ल वोस ने, बस ये याद रखना है। उसके बाद हम देखते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जैसे ऑर्गेनिज्म को सब कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया, जैसे ग्रुप में डिवाइड किया गया, तो वो किंगडम हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया, लेकिन उसके बाद भी उनको कैटेगराइज किया गया है, उनको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं किंगडम, सबसे पहले हम लिखेंगे किंगडम कि ये किस किंगडम का है, मोनेरा का है कि प्लांटी का है कि एनिमेलिया का है। दूसरा हम लिखते हैं फाइलम, फाइलम हम सिर्फ एनिमल के क्लास में यूज करते हैं, एनिमल। और दूसरा है डिवीजन, जो कि हम प्लांट के केस में यूज करते हैं। तीसरा है हमारा किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, इसके बाद आएगा आपका ऑर्डर, फिर आता है आपका जीन फैमिली, नेक्स्ट है एक फाइलम के बाद आएगा आपका क्लास, उसके बाद ऑर्डर आएगा, फिर आएगा फैमिली, फिर जीनस,
यहाँ पे स्पीसीज। तो ये होता है क्लासिफिकेशन का ऑर्डर, जहां पे क्या होता है इनके जो कॉमन करेक्टर होंगे वो ऊपर से नीचे आने में घटते जाते हैं। कि जैसे यहाँ पे मतलब कि बहुत सारे ऑर्गेनिक होंगे जिनके करेक्टर बहुत ही कॉमन होंगे, बहुत ज्यादा मिलते होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे इनके बीच में कॉमन करेक्टर घटते जाते हैं। तो ये हुआ आज का हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम।